Hey guys, नमस्ते जुजु एंड वेलकम बैक टू हुजीनेस। तो आज 15 सालों के बाद मेरा जो एक सपना है वो पूरा होने जा रहा है। तो एक्चुअली क्या हुआ कि मैं 15 साल पहले यानी 2006 में मैं मिजोरम छोड़ के आई थी पूरा फैमिली के साथ, और उसके बाद मैं कभी जा नहीं पाई। मेरे भाई बहन, मेरे पेरेंट्स सब चले गए, लेकिन मैं और मेरी बहन जा नहीं पाए। तो फाइनली आज 15 साल के बाद हम फिर मिजोरम में जा पा रही हूँ। तो एक्चुअली 1 month लॉन्ग का पूरा प्लान है ट्रिप का, और हम त्रिपुरा होते हुए मिजोरम जाएंगे। तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाले है, और आके आप लोगों को बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स देखने मिलेंगे त्रिपुरा से, मिजोरम से, मिजोरम के छोटी छोटी गाँवों से। तो बहुत आपको मज़ा आने वाला है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हमारे वीडियोस को लाइक दीजिएगा और हमें देखते रहिएगा, और प्लीज़ प्यार देते रहिए। 1000 सब्सक्राइबर्स तो आपने पूरा कर ही दिया है। आपको न रेजुजू ते मुई इच्छे 15 बजर ओवर आदि मिजोरम चांगर तैसे नाते मुई बारे जाऊँ इच्छे ते आमी त्रिपुरा होते त्रिपुरा आदि फुरी नहीं मिजोरम जब सेनलाई बारे एक्साइटेड आगन ते एज ते भिडिओ गुनो ब्लग सुनो बहुत दल दल ब्लग्स एबार सेनलाई मोर चैनल का सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक करी दो, शेयर करी दो। हे गाइस, तो हमारी जर्नी शुरू हो चुका है और अभी हम निकलेंगे गुवाहाटी के लिए, और गुवाहाटी में एक रात रुक के जो है हम फिर त्रिपुरा की ओर जाएंगे। देखिए आज हमारा जो जर्नी है वो यहाँ से शुरू हो रहा है। अभी हम जस्ट अपने घर के बाहर में हैं और गाड़ी पूरा फुल हो चुका है। तो हम यहाँ पे है पहुँचे हैं ग्वालपारा डिस्ट्रिक्ट में। ग्वालपारा के अंदर ही आता है, ग्वालपारा तो नहीं है लेकिन ग्वालपारा डिस्ट्रिक्ट में है। और यहाँ पे पहली बार हम रुके हैं, तो घर से 2:30 बजे निकले थे और अभी 5:30। नाश्ता पानी करके हम आगे बढ़ रहे हैं, और ये देखिए शाम हो चुका है। ब्राइटनेस बढ़ाने की वजह से थोड़ा और रोशनी दिख रहा है, लेकिन रियल में जो है थोड़ा ज़्यादा अंधेरा हो गया है। तो मोबाइल का ब्राइटनेस बढ़ाया हुआ है अभी। तो फाइनली हम लोग गुवाहाटी पहुंच गए हैं। सुना रेशा दी, गुवाहाटी पहुंच गए हैं। मॉर्निंग, तो वेलकम बैक टू बिजनेस। तो आज है दूसरा दिन और अभी हम लोग गुवाहाटी में हैं। तो कल एकदम 9:30 बजे रात को हम पहुंचे हैं। तो एक्चुअली इतनी देर हमें इसलिए लगा क्योंकि 6 माइल में हमें मेरे कज़िन भाई के पास हमें कुछ सामान देने थे जो उसकी गाड़ी में जाना है साथ में मिजोरम। तो इसी वजह से हमें पहुँचते पहुँचते इतने टाइम लग गया। और आज का दिन हमारा पूरा गुवाहाटी में रहने वाला है क्योंकि गुवाहाटी में कुछ काम है, वही सब निपटा के कल सुबह सुबह हम यहाँ से त्रिपुरा की तरफ निकल जाएंगे। तो अभी तैयार हुए हैं बाहर जाने के लिए, तो बाहर जाते हैं और देखते हैं क्या देखने को मिलता है। कल होली था और पता नहीं आज ही होली की तरह लग रहा है, और सारे जो शॉप्स हैं वो बंद है आज गुवाहाटी में, और ट्रैफिक भी काफ़ी हद तक कम है, देख सकते हैं। और बहुत सारे शॉप्स अभी खुले भी नहीं हैं, और अब तक तो खुलना चाहिए क्योंकि 11 बजने वाला है, तो अब तक खुलने चाहिए लेकिन खुल नहीं रहा है। शायद होली अभी भी मन रहा है यहाँ पे इस वजह से। तो देखते हैं दोपहर तक खुलता है कि नहीं। I'm going crazy.
लोग बाहर तो घूम रहे हैं, बाहर तो जा रहे हैं, लेकिन ज्यादातर शॉप्स मॉल्स सब बंद है। कुछ ही गिने चुने खाने पीने वाले शॉप्स होटल्स वगैरह खुले हैं, वो भी ज्यादा नहीं, बहुत ही कम कम। हनियों ने तो हम यहाँ पे मणिपुरी होटल में आए हैं लंच करने अपना। काफी सारी मणिपुरी होटल है यहाँ पे, ये पूरा मणिपुरी बस्ती में ही है। तो यहाँ मणिपुरी होटल में खाना खाने से ये है ना, बिल्कुल हमें घर का खाना जैसा मिलता है। तो इसकी वजह से हम जब भी गुवाहाटी में आते हैं तो हम यहाँ पे खाना ज़रूर खाते हैं मणिपुरी बस्ती में आके। इबेजदम तो वहाँ पे तो हमें खाना नहीं मिला, अब यहाँ पे जा रहे हैं शायद यहाँ पे मिल जाए। खुद पे भी हाथ पर तो बच्चों को हमने रूम में छोड़ के हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन के जा रहे हैं डेटिंग पे। तो अभी कहाँ जाएंगे मालूम नहीं, शॉप ज्यादातर बंद है, मॉल्स भी खुले नहीं है, बंद ही है। तो गुवाहाटी लगभग पूरा बंद है, देखने के लिए कुछ भी नहीं है, पर फिर भी देखते हैं कहाँ जा पाते हैं। और कल सुबह ही निकलेंगे त्रिपुरा की ओर, और उसके बाद एक हफ्ता रुक के फिर मिजोरम। अभी अंधेरा काफ़ी हो चुका है और रिटर्न जा रहे हैं वापस। तो आज का व्लॉग को हम यहीं पे करते हैं, एंड कल सुबह बहुत सुबह सुबह निकलना है हमें। देखिए अभी काफ़ी अंधेरा हो चुका है, 8:12 हो चुका है अभी। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक और नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।